हेलो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से पढ़ रहे होते हैं और फिर जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, तो पिछले 4 घंटों में हमने बस दो ही पन्ने पलटे होते हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। और ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं और फिर सीधे शाम में 7-8 बजे नींद खुलती है। तो फिर दिन भर की प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करने के बाद मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस बहुत हाई हो जाता है। कभी आपने ये नोटिस किया है कि अगले दिन एग्जाम है और उससे एक दिन पहले जो हम पढ़ते हैं वो कितने अच्छे से याद रहता है हमें, हम कितना अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होती है, हम इतनी देर ही पढ़ते हैं पर हमारा कंटेंट इतना कवर हो रहा होता है। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करके, इसी चीज़ को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं और जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सपोज कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ते हो और हाँ, उसमें से आप मुझे अपने 3 घंटे दे दो। हम अज्यूम करेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं। एग्जाम देते वक्त क्या होता है, हमारे लेफ्ट हैंड में घड़ी होती है, हम हर पल अलर्ट रहते हैं, हम हर वक्त घड़ी देखते रहते हैं कि इतने क्वेश्चंस कर लिए, इतना टाइम बचा है, इतने टाइम में ये करना होगा। फिर ऐसे हम मैनेज करते रहते हैं, हर सेकेंड हर पल को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, हम हर छोटी छोटे चीज़ों के लिए भी अलर्ट रहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। और एग्जाम देने के बाद लगता ही नहीं 3 घंटे कब बीत गए, किसी को एक्स्ट्रा टाइम, मतलब किसी को टाइम भी कम लगता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कब चले गए। तो हम उसी चीज़ को क्या करने वाले हैं, हम दिन में 9 से 10 का एक मिराकल आर ले लेंगे सुबह सुबह, दोपहर को 2 से 3 या 3 से 4 का एक मिराकल आर ले लेंगे और शाम को 7 से 8 या 8 से 9 का मिराकल आर ले लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को इधर उधर कर सकते हैं, जब आप फ्री होते हैं, जब आपके घर में शांति हो। और इसके अलावा जो 1 घंटा आपके पास आप एक्स्ट्रा पढ़ते थे, वो टाइम आप अपने होमवर्क को दे सकते हो, असाइनमेंट को दे सकते हो या फिर अपनी हॉबी को दे सकते हो, जैसा आप चाहो। और इस 1 घंटे में हमें 3 घंटे का आउटपुट निकालना है। वो कैसे होगा वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले तो इस घंटे को बहुत रिस्पेक्ट देनी है। कोई छोटी सी भी चीज़ होती है, अगर उस पर ब्रांड लग जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सिमिलरली हम इसे एग्जाम मानेंगे। एग्जाम से पहले हम नहा धोकर जाते हैं, खाना खा के जाते हैं कि एग्जाम में भूख ना लगे। हमारे सामने पानी की बॉटल होती है, हमारे हाथ में घड़ी होती है। सिमिलरली हम इसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे कि हमें वो मिराकल आवर के टाइम भूख ना लगे। एक भी बहाना नहीं होना चाहिए कि हम उसे 1 घंटे के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर उठें। आप अपने घर वालों को बोल दो कि मेरा एग्जाम चल रहा है, छोटे भाई बहन है उन्हें भगा दो या फिर उन्हें भी पढ़ने बिठा दो अगर वो पढ़ने वाले हैं तो। जब हमारा मिराकल आर चलेगा तो हमारे हाथ के पहुंच के बीच में फोन नहीं होना चाहिए, लैपटॉप नहीं होना चाहिए, टैब नहीं होना चाहिए या फिर वो डिवाइस नहीं होना चाहिए जो भी आप यूज करते हो, क्योंकि एग्जाम में फोन नहीं होता, घड़ी होती है। आप पूछ रहे हो टाइम कहाँ देखेंगे, हाथ में घड़ी पहन लो, अगर वो नहीं है तो सामने घड़ी रख लो। और आप ये मिराकल आर टेबल चेयर पे बैठ के करोगे, ना कि बेड पे। एग्जाम कहाँ देते हैं, टेबल चेयर पे। और हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि मुझे इस 60 मिनट में ये पढ़ना है। जैसे एग्जाम में हमारे पास फिक्स क्वेश्चन होता है कि ये क्वेश्चन हमें 60 मिनट में बनाने हैं, 3 घंटे में बनाने हैं। हम डिसाइड करते हैं कि पहले 15 मिनट में मैं कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करूंगी, दूसरे में राइटिंग सेक्शन सॉल्व करूंगी। ऐसे ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही हमें मेंटली डिवाइड करके रखना है कि हम फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। अगर हम टाइम देखते हैं, हम स्लो चल रहे हैं, फिर हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे एंड इस तरह से हमारा बहुत जल्दी कवर हो जाएगा सब कुछ। इस मिरेकल आवर का मोटिव क्या है कि हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना है कि मैं 60 मिनट में पहले इतना पढ़ती थी, अब इतना पढ़ूंगी, अगले दिन इतना पढ़ूंगी, मैं कितना पढ़ सकती हूँ इस गिवन टाइम में, हमें वो करना है। ऐसे कुछ नहीं होगा कि हम 4 घंटे लेकर बैठे हैं पढ़ रहे हैं आधा घंटा का, दैट्स नॉट गुड। सो अगर 24 घंटे में ऐसे 3 मिरेकल आवर हो जाएंगे तो आप सोच रहे हो दिन की प्रोडक्टिविटी कहाँ जा रही होगी, सिलेबस कवर हो रहा होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, हम खुद से प्यार करेंगे। एंड एक और, हम कैलेंडर में हर दिन का जो नंबर लिखा होता है उसके नीचे हम 3 टिक लगाने वाले हैं, क्योंकि हम 3 आर ऑफ पार करेंगे, 3 मिराकल आर करेंगे। और अगर आपका स्कूल है, आप काम करते हैं, तो आप 1 या 2 मिराकल आर से भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी छुट्टी है तो आपको वो 3 करना ही करना है। अगर हम हमारे कैलेंडर में 7 दिन तक टिक 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 3 टिक लगे होंगे, 1 दिन के नीचे हमारा कॉन्फिडेंस।
अगर आपका कैलेंडर बहुत सुंदर है, आप उस पे पेन से टिक नहीं लगाना चाहते हो, तो आप एक नॉर्मल पेज पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे करके रोज इन कॉलम्स बना लेंगे, और R1, R2, R3 बना लेंगे। और फिर जैसे जैसे आप वो मिरेकल आर कंप्लीट करते जाते हो, आप उसमें टिक लगा देंगे और आप उसकी फोटो खींच कर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल के अबाउट में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, और आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। एंड यहाँ पे ट्रस्ट की बात है, आप मुझे दिखाने के लिए उसमें टिक नहीं लगा रहे हो, उस टिक लगाने से आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, आपका कंपटीशन खुद से है कि मैं जो कल थी आज उससे बेहतर हूँ। सो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसा आउटपुट आया, स्ट्रैटेजी इफेक्टिव थी या नहीं। अगर मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है, मेरी ऑडियंस बहुत छोटी है, 142 सब्सक्राइबर्स ही हैं अभी, बट अगर उनमें से मैं किसी एक की लाइफ में भी इतनी सी भी इम्प्रूवमेंट ले आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड यस, ये कोई आस्था चैनल नहीं है कि सुन लिया, दूसरी वीडियो खोल लिया, पढ़ाई हो गई, अब थोड़ी कॉमेडी देख लेते, नहीं। मेरी वीडियोस में हमेशा ट्राई कर रही है कि आपके पास एक नोटबुक और पेन हो हमेशा, एंड आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको लिखते रहें, सो पढ़ाई करते रहें। माय नेम इज अंजना एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।